मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने श्रीमती अंजना भट्ट द्वारा रचित कविता धरती और आसमां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए सुनिए धरती और आसमां। मैं हूँ एक प्यारी सी धरती, कभी परिपूर्णता सी तृप्त और कभी प्यासी आकांक्षाओं में तपती। और तुम हो एक अंधहीन आसमान, संभावनाओं से भरपूर और ऊंची तुम्हारी उड़ान। कभी बरसाते को अंधहीन स्नेह और कभी सुर्खो न चाक और न मेघ। जब जब बरसता है मुझ पर तुम्हारी प्रेम और तुम्हारी कामनाओं का मैं, खिल उठता है मेरा मन और आंगुरित होती है मेरी देह। युग युगों से मुझ पर हो जाए, मुझे अपने गर्विन अंग में समाए। सदियों का अटूट हमारा नाता है, लेकिन फिर भी कभी संपूर्ण ना हो पाता है धरती और आसमान। मिलते हैं तो सिर्फ शिजद में, सदियों से यही होता आया है और होगा। जितना गरीब आऊं तुम्हारा सुगत संबर उतना ही औजल हो जाता है। लेकिन इन सब से मुझे कैसे अनर्धर अंधहीन युगों के अंधराल से परे जब चाहूं, सतरंगी इंद्रधनुष रंगों की सीटियां चढ़ती हूँ, रंगीले कोहरे में रोमांच नृत्य करती हूँ, परमात्मा की रचित मंदिर में तुम पर अर्चित होती हूँ, तुम्हें छूकर तुम्हें पाकर तुम पर समर्पित होकर फिर खुदती खुद तक लौट आती हूँ। अपना मिलने की खुशी है, ना ही ना मिलने का गम। मैं मां ना मैं हूँ और तुम हो तुम, है तो बस सिर्फ है हम। सिर्फ कहने पर को है तुमसे मैं दूर, तुम्हारे आकर्षण की गुर्दा में घूमती, परस्पर आत्माओं की त्रिशित बंधन में बांधती, तुम्हारी किरणों की सिंदूरी रेंकों से सजी, तुम्हारी मोहन संबर्क में मेरी नस नस रची। मैं रहूंगी तुम्हारी प्रिया धरती, मैं रहूंगी तुम्हारी प्रिया धरती और रहोगे तुम मेरा प्रिय आसमान। मैं हूँ आसमान की धरती और तुम हो धरती की आसमान। नहीं।